রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েনের মাঝেই বৃহস্পতিবার সকালে বিধানসভায় গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এদিন বিধানসভায় যান তিনি। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দেন। এরপর অধ্যক্ষকে পাশে নিয়েই রাজ্য সরকার সম্বন্ধে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে গ্যাস চেম্বারের সঙ্গে তুলনা করেন। বুধবার হাইকোর্টে তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনাও করেন। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है जब लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल इज डेन ऑफ करप्शन। मेरा लक्ष्य है, याचना भी है, प्रार्थना भी है, कर्तव्य भी है कि शासन व्यवस्था संविधान के दायरे में रहे, कानून के दायरे में रहे। इससे दूर यदि व्यवस्था होती है तो हमें मुश्किल होगी यह कहने के लिए कि हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जीवित हैं। एंड देन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंस्पायर्स नो कॉन्फिडेंस। एक देखिए, घटना हुई, लोग जिंदा जला दिए गए, शर्मनाक बात हुई। अब जो लोग अथॉरिटी में है वो डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन को नहीं दे सकते। यदि अगर शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कहेगा कि निर्दोष है मुलजिम, तो नीचे वाले क्या जांच करेंगे? तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक जगह आप जाते हो, पीड़ित के परिवार को जो लोग बचे हैं उनको नौकरी देते हो, तो मेरे पास लोगों के बहुत प्रतिवेदन आए कि यह संवेदनहीनता क्यों दिखी पोस्टपोल वायलेंस में। वहां भी लोगों के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, कत्ल हुआ, उन लोगों को यह क्यों नहीं दिया गया?